नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं एक न्यू जानकारी के साथ आते हैं। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और न्यू लेटेस्ट वैकेंसी के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी खबर ये है कि ग्रुप डी में पोस्टें निकली हुई हैं। ग्रुप डी में पोस्ट नेम जो है यहाँ पर ग्रुप डी है। और यहाँ पर चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों फॉर्म भरे जाना स्टार्ट होना है 22 मार्च 2019 से। 22 मार्च 2019 से यहाँ पर दोस्तों फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे ग्रुप डी के। और यहाँ पर जो लास्ट डेट है दोस्तों, ये देख लीजिए 22 अप्रैल 2019। दोस्तों यहाँ पर पूरा मिल रहा है आपको एक महीना ग्रुप डी के फॉर्म भरने के लिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो फीस पेमेंट है वो उसका डेट दिया गया है 25 अप्रैल 2019। 22 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 25 तारीख तक आप कर सकते हैं आप इसकी पेमेंट। और एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की डेट अभी नहीं आई है दोस्तों, तो जैसे ही आएगी मैं आपको ज़रूर सूचित करूंगा। यहां पर देख लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए लगना है यहाँ पर 100 रुपये, और जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए लगना है यहाँ पर 50 रुपये। और जो हरियाणा कैंडिडेट हैं, यहाँ पर हरियाणा के डोमेस्टिक कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट को लगना है यहाँ पर 50 रुपये, और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को लगना है यहाँ पर 25 रुपये। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर कर सकते हैं अप्लाई, क्योंकि उनको करना पड़ेगा जनरल से ही फाइट। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 249 पोस्टें, नंबर ऑफ पोस्टें देखिए दोस्तों यहाँ पर मिल रही हैं आपको 249 पोस्टें। और यहाँ पर कैटेगरी में देखिए दोस्तों, कैटेगरी नंबर पर देखिए एक है, और पोस्ट का नाम देखिए ग्रुप डी है। यहाँ पर जनरल को पोस्ट मिलती हैं 160, और एससी को मिलती हैं दोस्तों यहाँ पर 38 पोस्टें, बीसीए को मिलती हैं यहाँ पर 30 पोस्टें, और बीसीबी को मिलती हैं यहाँ पर 21 टोटल पोस्टें होती हैं दोस्तों। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्टें हैं 249 टोटल पोस्टें मिल रही हैं आपके लिए। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए योग्यता, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल आपसे मांगा गया है 10वीं हाई स्कूल पास आउट, प्लस आपने 10वीं क्लास में पढ़ी हो संस्कृत और हिंदी। ये नॉर्मल है, सभी कैंडिडेट इसको पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आप भी कर सकते हैं इसे अप्लाई। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एज लिमिट, एज लिमिट दी जा रही है बहुत ही, इसमें 18 से 42 साल कैंडिडेट कर सकता है इसमें अप्लाई। जनरल एससी एसटी ओबीसी के टोटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 18 से 42 साल है। और साथ ही मिलेगा आपको एज रिलैक्सेशन, वो मिलेगा एससी एसटी के लिए यहाँ मिलेगा 5 साल का एज रिलैक्सेशन, और ओबीसी को मिलेगा यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन। चलिए दोस्तों तो यहाँ पर देख लेते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए तो दोस्तों ये आ गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर निकली है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा एसएससी के थ्रू दोस्तों यहाँ पर पोस्ट निकली हैं। और डेट जो यहाँ पर पब्लिश हुई थी वो हुआ था 5 मार्च 2019 को। 22 मार्च से यहाँ से फॉर्म भरना होंगे स्टार्ट, और 22 अप्रैल रात 11:59 तक भर सकते हैं आप फॉर्म, और 25 अप्रैल तक यहाँ कर पाएंगे आप पेमेंट। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं बाकी अदर जानकारी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दी है, बाकी और नोटिफिकेशन देख लीजिए, यहाँ पर लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर कर देख सकते हैं। सभी राज्य के महिला पुरुष यहाँ पर भर सकते हैं फॉर्म के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने बताया था पोस्ट वाइज कैटेगरीज वाइज, यहाँ पर टोटल पोस्टें देख लीजिए, जनरल को 160, टोटल 160 है यहाँ पर, 141 प्लस 19 मिलती हैं ESM कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पर 38 हैं SC के लिए, 35 टोटल पोस्टें मिलेंगी यहाँ पर नॉन ESM, और ESM कैंडिडेट को मिलती हैं यहाँ पर 3 पोस्टें टोटल पोस्ट यहाँ पर हैं। BCA के लिए 30 पोस्टें और 25 मिलती हैं नॉन ESM कैंडिडेट, और ESM के लिए मिलती हैं यहाँ पर 5 पोस्टें। BCB कैटेगरी में देखिए 21 पोस्टें हैं, 17 मिलती हैं नॉन ESM कैंडिडेट, और यहाँ पर 4 पोस्टें मिलती हैं ESM कैंडिडेट के लिए। दोस्तों यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी 1 पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मांगा गया है 10-2 मैट्रिकुलेशन पास, 10वीं पास आउट होना चाहिए दोस्तों आपके पास, साथ ही जो आपने पढ़ी हो हिंदी और संस्कृत आपने 10वीं क्लास में, 18 से 42 साल यहाँ पर एज है।
और रिलैक्सेशन जो मिलेगा आपको वो मिलेगा सरकारी नियमानुसार। और यहाँ पर दोस्तों वेतन मान देख लीजिए दोस्तों, वेतन मान दिया जा रहा है यहाँ पर पे स्केल मासिक वेतन मान है यहाँ पर नॉर्मल 16,953,500 प्लस TA DA HR मिलेगा आपको अलग से। चलिए दोस्तों तो यहाँ पर और नॉर्मल जो जानकारी है वो फीस आपने देख ही ली है, मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था। तो फीस यहाँ पर है 100 रुपये जनरल कैंडिडेट को, फीमेल को है 50 रुपये और ऑल कैंडिडेट हरियाणा के लिए 50 और 25 रुपये लगना है यहाँ पर फीस। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों ये क्राइटेरिया, सिलेबस देख लीजिए यहाँ पर, आपको पेपर देख लीजिए पेपर किस तरीके से होना, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि हम इसी तरीके से जो भी नया वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी JD कंप्यूटर से मैं आपके लिए यहाँ पर अच्छी अच्छी पोस्ट डालता रहता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।